हाय, मेरा नाम है गोपाल दत्त और आप देख रहे हैं देसी पीट। कुछ पता नहीं था एक्टिंग के बारे में, थिएटर के बारे में। एक्टिंग जो है ना, क्योंकि ये ग्लैमर और ये सब इससे अटैच्ड है, रिएक्शन दे रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने अपना पार्ट जो है वो सही ढंग से निभाया है। कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो स्क्रिप्ट में छिपे हुए होते हैं, आपका डायलॉग उनको याद होता है, वो बोल रहे होते हैं और आपको लगता है ये क्या बोल रहा है, अमित तुम्हारी पूज्य माता जी की डैश डैश डैश। उस पर फोकस ना करके अगर आप सिर्फ अपने काम पे और जो रोल है उस पर फोकस करें तो बाकी चीज़ें तो बाय प्रोडक्ट है, वो आ जाएंगी। नमस्कार, मैं नम्रता दुबे और आज मैं आपको जिनसे मिलाऊंगी उन्हें आपने कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर आपको एंटरटेन करते और अपनी कलाकारी दिखाते देखा होगा, लेकिन हम उनके बारे में बहुत कम जानते हैं और वो हैं गोपाल दत्त जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। अब आप लेकर आ रहे द ऑफिस, जिसका ट्रेलर देखा जो कि कमाल का है, लेकिन शुरुआत से बात करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि आपने यहाँ पे एंटर कैसे किया, क्योंकि जैसे कि बॉलीवुड का माहौल है और नेपोटिज्म पर भी बातें हो रही हैं, तो आपकी कहानी से शुरू करते हैं। मेरी कहानी यह है कि मैं नैनीताल में पैदा हुआ और मेरा जो पूरा शुरुआती एजुकेशन वहीं नैनीताल में हुआ, और फिर एक थिएटर ग्रुप है नैनीताल में युगमंच नाम का, जो अभी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो कंटिन्यूसली प्लेस करते हैं, बहुत एक्टिव थिएटर ग्रुप है। तो मैंने वो ज्वाइन किया और उसके बाद उसी ग्रुप के थ्रू मैं NSD में गया एक बार शो करने एक प्ले का। तो फिर मुझे, मैं तब NSD से इंट्रोड्यूस हुआ और फिर मैंने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत कूल जगह है, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ आना ही है। उसके बाद मैंने उसके लिए तैयारी की, क्योंकि NSD में एडमिशन के लिए आपको प्लेस, कम से कम 6 प्लेस में एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए आपका, और बहुत सारे प्लेस आपने पढ़े हुए होने चाहिए। तो वो सब मैंने तैयारी की और उसके बाद मैं NSD में सेलेक्ट हो गया। फिर मैं 3 साल दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मैंने एक्टिंग का कोर्स किया और उसके बाद मैं बॉम्बे आया। आपने तब शुरुआत की थी, लेकिन परिवार का जो माहौल था किस तरह का था, क्योंकि फिल्मों में जाना तब आसान बात बिल्कुल नहीं होती। मेरे फादर बहुत ही ऐसे कूल हैं, उनको कुछ, उन्होंने बोला देखो आपका लाइफ है, आप देखो कैसे करना है, तो मुझे कभी ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। उन्होंने बोला जो भी करना है आप करो, लेकिन सोच समझ के करना। उनका ये था कि साइंस ग्रेजुएट हो जाओ बस। तो मैंने BSc किया और फिर मैं साथ में थिएटर भी करता था, जो बड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन मैं कर लिया मैंने किसी तरह। एक्टिंग की बात हो गई तो आपके जहन में कब आया, बचपन से था कि कोई किसी ने, कोई इंस्पायर करती है ना जैसी चीज़, कोई ऐसा एक इंसिडेंट हो गया? हाँ, एक एक्चुअली इंसिडेंट है। मुझे मैं जब 11th क्लास में था तब तक मुझे कुछ पता नहीं था एक्टिंग के बारे में, थिएटर के बारे में। तो एक बार मेरा बड़ा भाई जो है वो एक रिहर्सल में जाने लगा और फिर मेरा एक दोस्त भी जाता था, तो उनके साथ मैं भी रिहर्सल में गया एक दिन, और लकीली उस दिन एक एक्टर वहाँ आया नहीं था, जो डायरेक्टर थे उन्होंने, फिल्म स्टोरी है कि डायरेक्टर ने बोला कि आप ये पढ़ लेंगे, एक पार्ट है छोटा सा। मैंने कहा मैं पढ़ लूँगा, तो मैंने पढ़ा तो डायरेक्टर ने बोला आप तो अच्छा पढ़ रहे हो, आप आ जाओ कल से। वो नॉर्मली था ऐसा, वो हम लोग वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है अंधेर नगरी चौपट राजा, तो म्यूजिकल है, तो उसमें एक पार्ट, एक वो छोटे छोटे कई सारे पार्ट्स हैं उसमें, एक मार्केट है जहाँ सब चीज़ें एक ही दाम में मिलती है, चाहे सोना हो चाहे मिट्टी हो, तो वैसे सब शॉपकीपर्स हैं। तो उसमें से एक का मैं कर रहा था, तो उनको पसंद आ गया, उन्होंने बोला आप आ जाओ कल से, तो मैंने कहा मैं आ जाता हूँ। फिर वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई। और चीज़ मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि समाज काफ़ी जजमेंटल होता है, तो जिस तरह के किरदार आपने निभाए हैं, तो कई लोगों का कहना है ये, मतलब लोग काफ़ी जज करते हैं आपके किरदार को लेकर, तो किस तरह की दिक्कतें अगर आपको आई हैं, कुछ लोगों की जो बुरी बातें भी कभी कभार आपको मोटिवेट कर देती, तो ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जब आप काफ़ी लो फील करते हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है? मुझे तो ऐसा कुछ, ऐसा मेरे साथ कुछ है नहीं, बट अगर कोई उस तरह का रिएक्शन दे रहा है तो इसका मतलब है कि आपने अपना पार्ट जो है वो सही ढंग से निभाया है। अगर कोई, मैं बुरा पार्ट कर रहा हूँ और किसी को उस बात का बुरा लगा है, तो वो, इसका मतलब आपने सही काम किया है, तो वो आई थिंक वो पॉजिटिव एस्पेक्ट लेके चलना चाहिए, काम करना चाहिए। आप
काफ़ी लंबे वक्त से काम कर रहे हैं इसमें, तो किस तरह के डिफरेंसेस आपको तब के समय और अब के समय के ऑडियंसेस में दिख रहे हैं? जैसे कि अब जिस तरह की फिल्में आ रही है वो कंटेंट पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, तो आपको लग रहा है ऑडियंसेस का नज़रिया पूरी तरह चेंज हो गया है? पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। अभी लोग इंटरेस्टिंग कहानियाँ देख रहे हैं, और क्योंकि अभी ग्लोबली सब खुल गया है, कोई भी चीज़ कहीं भी रिलीज़ होती है, आप नार्कोस भी देखते हैं, आप गेम ऑफ थ्रोन भी देखते हैं, तो अभी पूरी दुनिया में आप रिलीज़ कर रहे होते हैं कोई भी शो। अगर आप वेब पे कर रहे हैं तो ये नहीं कि वो सिर्फ आपके रीजन के लिए, आप इंडिया के लिए, तो वो कंपटीशन है, और उस वजह से आप इंटरेस्टिंग कहानियाँ ढूंढ रहे हैं, इंटरेस्टिंग कहानियाँ कह रहे हैं, वो बड़ी अच्छी चीज़ है मुझे लगता है। जिस तरह के आपके बाकी मैंने किरदार देखे, तो दिल्ली क्राइम का जो किरदार था काफ़ी डिफरेंट लगा मुझे, तो वो किस तरह प्रिपरेशन, और वो काफ़ी सीरियस टॉपिक पे, सीरियस मुद्दे पर था, तो उसकी तैयारी आपने किस तरह की थी? तो मुझे लगता है एक तो वो जो डायरेक्टर हैं रिची, उन्होंने काफ़ी हेल्प की मुझे कि ये कैसे करना है कैरेक्टर, उस पर हमने काफ़ी बात की थी। दूसरा मुझे लगता है किसी भी कैरेक्टर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो स्क्रिप्ट में छिपे हुए होते हैं। अगर आप एक स्क्रिप्ट को बार बार पढ़ें, बार बार समझने की कोशिश करें, और जो कैरेक्टर आप कर रहे हैं उसके बारे में दूसरे लोग क्या कहते हैं, उससे बहुत आपको कैरेक्टर समझ में आता है। बिकॉज जब मैं कोई कैरेक्टर मेरे कैरेक्टर के बारे में बोल रहा है, तो उससे आपको चीज़ें बिल्ड करने में काफ़ी मदद मिलती है। तो आप स्क्रिप्ट अगर पढ़ते रहें बार बार, तो बहुत सारी चीज़ें स्क्रिप्ट से ही मिल जाती हैं आपको। किरदारों की बात करें तो आपने अलग अलग तरह के किरदार निभाए, लेकिन अगर आपकी किसी फैन से मुलाकात हुई कि तो किस तरह के आपको रिएक्शन, एक कमेंट मिला है अगर आप कहीं गए हैं तो? एक मुझे अलग अलग तरह के मिलते हैं, क्योंकि मैं हाँ मुझे जो लोग ऐसे डायलॉग्स बोलते हैं कि वो सुना दो, या कई बार आपका डायलॉग उनको याद होता है, वो बोल रहे होते हैं और आपको लगता है ये क्या बोल रहा है, क्योंकि आप बोल के भूल चुके हैं लेकिन उनको याद है। वो तो वो बोलते हैं कि जैसे एक सीरीज़ है पिक्चर्स, उसमें वो पेन ड्राइव में लेके चले, तो अभी भी लोग, मैं बीच में कहीं जा रहा था तो किसी ने बोला वो पेन ड्राइव का क्या हुआ, तो मुझे बहुत देर तक समझ नहीं आया किसकी बात कर रहा, फिर मुझे याद आएगा वो अच्छा ये, तो ऐसे रिएक्शंस मिलते हैं, लोग याद रखते हैं। ऐसे भी हैं काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो आप मतलब जहाँ तक आप पहुँचे उसकी तैयारी कर रहे हैं, आपसे मोटिवेशन भी लेते हैं, तो उनके लिए कोई एक टिप जो आप देना चाहें? मुझे लगता है कि टिप तो क्या, ऐसा एक तो मैं कोई ऐसा बहुत पहुँचा नहीं हूँ, बट जो भी लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, मुझे लगता है कि इस एक्टिंग जो है ना, क्योंकि एक ग्लैमर और ये सब इससे अटैच्ड है, तो मुझे लगता है कि उस पर फोकस ना करके अगर आप सिर्फ अपने काम पर और जो रोल है उस पर फोकस करें, तो बाकी चीज़ें तो बाय प्रोडक्ट है, वो आ जाएंगी। फिल्मों में भी काम किया है, वेब सीरीज़ में और कई शोज़ में भी, तो एज अ एक्टर आपके लिए कंफर्ट जोन कहाँ पे ज़्यादा बनता है? कंफर्ट जोन जैसा कुछ है नहीं, कई बार आपको कैरेक्टर जो है आसानी से आ जाता है, कई बार आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। बट क्योंकि मैं एक शो बहुत साल से कर रहा हूँ, द वीक दैट वाज इन, और उसमें हमारे पास बहुत कम टाइम होता है और छोटे छोटे कैरेक्टर्स होते हैं, तो वो क्योंकि टाइम कम है और जल्दी जल्दी करना है, तो उसकी वजह से मुझे अब बहुत हेल्प होती है, क्योंकि आपको लाइंस भी जल्दी से याद करनी है, कैरेक्टर भी चेंज करना है, तो वहाँ एक तरह का मेरा वो लैब है, वो वीक दैट वाज इन का जो शूट है। मोस्टली जो बच्चे होते हैं छोटे, वो बचपन में वो किसी हीरो या हीरोइन की तरह बनना चाहते, तो आपको किसी ने मोटिवेट किया था बचपन, इंस्पायर किया था अपने अलग अंदाज के लिए? नहीं, मुझे बहुत कभी ये था नहीं कि मैं फिल्मों में जाऊँ। मुझे अच्छे एक्टर्स हमेशा से ही पसंद है, जैसे मुझे इरफान का काम एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगता है, वो जिस तरह की लेयरिंग, जिस तरह का वो बारीक काम करते हैं, माइन्यूट डिटेलिंग्स पे काम करते हैं, वो चाहे कमर्शियल हो चाहे नेम से टाइप हो, तो उनका मुझे अच्छे एक्टर्स हमेशा से इंस्पायर करते रहे हैं और मुझे उनका काम अच्छा लगता है। तो ये तो होगी पिछले कामों की बात, अब द ऑफिस लेकर आ रहे हैं जिसमें एक अलग ही अंदाज है इस बार फिर, तो ये कैसा किरदार है? ये बहुत ही मज़ेदार किरदार है और इसके बहुत क्वर्क्स हैं और बहुत ही एक्सेंट्रिसिटीज़ हैं, और ये जो है ये थोड़ा कनिंग भी है बट लवेबल भी है और फनी भी है, और कई बार मतलब ये इसलिए इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है क्योंकि ये एक तरह का
एज अ बहुत थिन लाइन है कि विलेनिश, और तो वो बहुत मज़ेदार है आपको आप कह सकते हैं, बिकॉज वो नहीं सोचता कि वो बॉस का चमचा है, उसको लगता है कि वो सेकंड बॉस है ऑफिस में और बाकी सब उसके नीचे, बट बाकी लोग ऐसा नहीं सोचते। तो बहुत ही मज़ेदार कैरेक्टर है और बहुत अच्छा लिखा हुआ है और उसके कई सारे शेड्स हैं। हर किरदार का ना कोई डायलॉग बहुत फेमस होता है, तो इस बार क्या नया लेकर आ रहे हैं? इस बार मुझे लगता है क्योंकि ऑफिस की राइटिंग इतनी अच्छी है और ये जो है ऑफिशियल एडेप्टेशन है, तो कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर का वो हमने रखा है, तो इसमें आपको एक लाइन नहीं, बहुत सारी लाइन्स मिलेंगी मुझे जैसे वो शुद्ध हिंदी बोलता है, तो वो जब भी अमित जो उसका कलीग है उसको गाली देनी होती है, तो वो गाली भी शुद्ध हिंदी में मतलब देता है, तो वो अमित को जब भी गाली देनी होती है बोलता है कि अमित तुम्हारी पूज्य माता जी की डैश 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 तो ये द ऑफिस के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऐसे ही आप दमदार काम करते रहे और हमें एंटरटेन करते रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।